हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है छठ पूजा है, और छठ पूजा वाले दिन ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी गंगा किनारे आया हूँ, और यहाँ पे शाम को आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे। और घाट पे मैं अभी इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम लोगों को छठ माता के लिए उनकी एक प्रतिमा टाइप ऐसे बनाना होता है, जिसपे मम्मी आएंगी और भी लोग आएंगे, तो वो वहाँ पे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं उसको बना लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद से आपसे कनेक्ट होता हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सारा रेत ही रेत हो रहा है, बहुत ही ऊपर की तरफ पानी आ रखा है। और जनरली तो हम लोग यहीं पे करते हैं, बट यहाँ पे कितना सारा रेत हो रखा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उधर बनाऊँ कि इधर बनाऊँ, क्योंकि हमेशा हम लोग इधर की साइड पे ही पूजा करते हैं। मम्मी से फोन करके पूछ रहा हूँ। पानी नीचे भर रहता भल, दूसरा घाट है क्या? हो देखिए दूसरा घाट बढ़िया हो तो यही तरफ बनो लगा। हाँ कम रहता हुई ओडिये बना दे तू हूँ किनारे कहीं बना दे किनारे। लोग देखेंगे इसको शाम को कि यहाँ पे ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं, पूरा भीड़ होगा यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है शाम को। हर बार तो ऐसे ही होता है। और फ्रेंड्स, जो ये छठ पूजा का है, छठ पूजा का इसमें इस तरीके से होता है कि डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को पूजा होती है। जो सूर्यदेव है, जब वो डूब रहे होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उग रहे होते हैं, तब उनकी पूजा होती है उस टाइम पे। तो हम लोगों को सुबह 3 बजे, हम लोग 4 बजे करीब, 4 या 5 बजे करीब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से ये वाली जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 घंटा, मान लीजिए आपके 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, और ट्रैफिक रहेगा तो ये भी थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सुबह में थोड़ा और जल्दी आना पड़ेगा, और शाम को भी हम लोगों को जल्दी आना पड़ेगा। तो शाम को हम लोग 4 बजे जो है घर से चल देंगे, और फिर 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि छठ पूजा हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है, और आई मीन टू से जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब जो करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोग भी छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो छठ माता हैं वो बन के रेडी हो गई हैं, और ये मम्मी के लिए, ये भाभी के लिए, तो वो ये दो हैं। और फिर शाम को आके हम लोग इनकी पूजा करेंगे, और आप देख सकते हैं और लोगों ने भी बना रखे हैं। यहाँ पे, वहाँ पे, और मैं भी अंकल को बोल के जाऊँगा, अंकल देखते रहना कि मुझे घर भी जाना है, और फिर सबको लेके भी आना है। तो जो छठ माता की प्रतिमा है वो मैंने बना दी है, और अब हम लोग आएंगे शाम को। अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर पे भी प्रिपरेशन करनी है काफ़ी सारी, और फिर शाम को मिलेंगे हम लोग। तो बने रही वीडियो के साथ में, और देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। जब भी गंगा जी में उतरिए नीचे, तो सबसे पहले आपको शूज़ जो हैं वो उतारने होते हैं, उसके बाद से आप जाइए गंगा जी में। अगर आप शूज़ पहन के जाते हैं तो काफ़ी गलत होता है, और ऐसा मत करिएगा अगर आप करते हैं तो,
पहले शूज उतारिए उसके बाद से जाइए, देन वापस ऊपर आके शूज पहन लीजिए, सिंपल है। फ्रेंड्स मैंने अभी अंकल जी को बोल दिया, जो हमने प्रतिमा बनाई है वो भी उसको थोड़ा सा देखते रहेंगे ताकि कोई और वहाँ पे कुछ ना कर ले, तो अंकल बोला ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और फिर घर पहुँच के आपसे बात करूँगा। हम लोग स्टार्टिंग से ही बचपन से ही हम लोग यहीं पे ही करते हैं छठ पूजा, और ये एरिया जो है काफ़ी सही लगता है मेरे को। ये कैसे वाला है? ये वाला घी वाला है, खस्ता ना खस्ता वाला सूजी के है कि के है या गुड़ वाला? गुड़ वाला है ये, गुड़ वाला इसे वो क्या बोलते हैं, ठेकुआ, ठेकुआ है। मैंने जाके केले ही बनाया वो क्या हाँ ना तू कर छठी माता का तो मेरे को इन्होंने हम आपका बच्चा हमारा संगीत बना करो, तू अपना माइक संगीत जाकर बना लो। मेरे को कोई लेके गया, मैं तो खुद ही गया। आपको बाइक चलानी आती है? तो ये भी तो आती है साइकिल चलानी, तो वो तो मेरे लिए बहुत दूर हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरे लिए? दूर नहीं हो गया था बाइक से? बाइक पे आपको पैंडल नहीं मारने पड़ते ना, किक तो मारना पड़ता है। तो किक तो एक ही बार मार ले जाए, एक ही बार में एक किक पे आपको 2-3 बार मारना पड़ता है, 100-200 बार मारना पड़ता है, वो तो 50-60 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ भी बता देगा तू कौन है? क्या बन गया? अरे दिखाओ ना रे, ए दिखाओ। इसे पता क्यों ले जाते हैं साथ में मम्मी? काला है ना ये, तो नजर का एक टीका चाहिए होता है, जीप की दिखती है। काला है ना मम्मी ये। कौन जा रहा है? स्कूल कैसा आ रहा है? इसमें जगह तो होगी नहीं, नहीं इसके बाद नहीं। सिब्बू तो मेरे साथ आएगा, नहीं सिब्बू तो मेरे साथ आया। मेरे पीछे पीछे आएगा, मैं तो ड्राइवर तू निकल जा तो मैं आता हूँ।
पास
ऐसा ना कोबरा यहीं से आ जाए, ऐसा ना कोबरा यहीं से आ जाए। तेरी मर्जी है, ज्यादा अंदर मत जाना, एक सीढ़ी पे रहना बस। क्या करेगा सिप्पू इनका? क्या कर रहा है ये? कौन सुन दो, वो एकदम फूटते ही फट गया, वो फूटते ही फट गया, वो तो फूटते ही फट गया। क्या वो अनार जला रहा है? फूटता नहीं है, अनार जला रहा है, जल फटता ही है। नहीं चलो, चलो अब चल रहा है, फोन आ रहा है, अरे फोन आ रहा है, चलो चल। अरे वो चला जा, जितेंद्र चल ले, हो गया, अरे हो गया, फोन आ रहा है, चलो।
इधर रह के करो, इधर रह के, इधर होके करो, इधर होगा क्या आते हुए जाएगा। अब तू चलेगा मेरे साथ और ये मैं पूछ ही रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। मेरे को भी गोल लगवा दे। कितना टाइम हो रहा है? टूट गया। कितनी बार टूट गया तू? एक बार। सुबह नहाना पड़ेगा? हैं? पर मैं नहीं नहाऊंगा। नहीं नहाएगा? अम्मा भी आ गई। आ गई अम्मा। नहाना तो पड़ेगा। जो जाएगा वो नहाएगा। हैं? ओके बाय। शिबू पीछे ही बैठ जा तू भी। छह बज गए मम्मी, ठंड लग रही, नहाऊंगा नहीं। शिबू चल नहाने, चल चल हाँ? चल नहाने, चल तुम खड़ा तो दिखा दे, चल नहाने, चल चल नहाने। तो अभी बज रहे हैं 6 और हम लोगों को जाना पड़ेगा नहाने, क्योंकि सूर्य भगवान के निकलने का टाइम हो गया है और नहाना बहुत ही जरूरी है। बिना नहाए हम लोग क्या बोलते हैं, अर्घा नहीं दे सकते। सिद्धू को भी नहलाऊंगा, सिद्धू नहाना पड़ेगा, सिद्धू को नहलाएंगे। चल सिद्धू चल, नहीं नहाएगा क्यों? क्यों नहीं आएगा? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ। आए क्यों? मेरे लूटने के लिए। नहाएगा नहीं? बिना नहाए फिर अर्घा कैसे देगा तू? बिना नहाए अर्घा कैसे देगा? हाथों से, हाथों से तो नहाना जरूरी होता है ना? नहीं, नहाना जरूरी नहीं होता। फिर अर्घा देना। सिब्बू चले फिर, हवा कितनी तेज चल रही है, चले फिर। सुन रहा है? देख एक बार पानी में कूदेगा ना, उसके बाद ठंड नहीं लगेगी। चल आ जा, मैं जा रहा हूँ नहाने, आ जा। अरे चल ले,
चल सिपो नहा लिया तूने, चल बहुत बढ़िया। ये जींस ऊपर तो अभी सब कुछ हो चुका है, आप देख सकते हैं सूर्य भगवान भी आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। टाइम हो रहा है 7:00 हैं, 7:00 कितने मिनट हो रहा है, 7:00 हो रहे हैं 21 मिनट और अभी थोड़ी देर में सब खाली हो जाएगा। रखे हैं जितना नहीं हुआ है वो लोग अभी कर रहे हैं पूजा, बाकी हमारा तो हो गया, हम लोग निकल रहे हैं बस।